हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ग्लोबल डिफेंस। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि बायकार ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के सीईओ का कहना था कि कोई बायरक्तार ड्रोन्स जो हैं वो इंडिया को सेल नहीं किए जाएंगे। तो उनका ये कहना था कि TB2 UAVs जो हैं सिर्फ ब्रदरली नेशंस लाइक पाकिस्तान और यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो टर्किश ड्रोन्स जो हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी जो है वो हासिल की है, स्पेशली इनकी जो इफेक्टिव परफॉर्मेंस थी यूक्रेन के अंदर, और इसके अलावा सीरियन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी इनको बड़ा इफेक्टिव यूज़ किया गया है। तो टर्की जो है इस वक्त एक लीडिंग आर्म ड्रोन्स मैन्युफैक्चरर है दुनिया के अंदर, और इनका ख्याल ये है टर्की का कि ये जो कॉम्बैट ड्रोन्स हैं इनका बहुत ही एक सिग्निफिकेंट फैक्टर होगा फ्यूचर वॉर्स के अंदर। और स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, जब उनसे क्वेश्चन किया गया सीईओ से बायकार टेक्नोलॉजी के क्या जो है चाइना और ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इस आर्म ड्रोन्स को डिप्लॉय किया जा सकता है, तो उनका कहना था कि आज की दुनिया में कोई भी जंग विदाउट ड्रोन्स है वो उसको तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो बायरक्तार जो है इनकी कंपनी का ये भी विजन है कि दुनिया में कोई भी ड्रोन्स जो है कोई भी वॉर जो है वो ड्रोन्स के बगैर जीती नहीं जा सकती, और इनका इफेक्टिव यूज़ जो है अब वो इनविटेबल होता जा रहा है। तो सीईओ का ये भी कहना था कि ताइवान के साथ किसी भी किस्म की जो पोटेंशियल डील है वो इस वक्त जो है टेबल पर नहीं है। उनका कहना था कि चाइना जो है इस वक्त ग्लोबल ड्रोन प्रोड्यूसर है और चाइना के ऊपर एक आई जो है उन्होंने रखी हुई है, और चाइना का जो एग्रेसिव ड्रोन यूज़ है उसको भी टर्की काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजीज जो हैं वो मस्ट हैव है फ्यूचर वॉरफेयर के अंदर, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये कहना था बायरक्तार टेक्नोलॉजी ड्रोन्स के सीईओ का। उनका कहना था कि जो कंट्री जो है इन ड्रोन्स को इस्तेमाल नहीं करेगी या ड्रोन्स का इस्तेमाल नहीं करेगी तो वो लूजिंग एंड पर होगी। तो यूक्रेन वॉर के अंदर जो TB2 ड्रोन्स थे ये इन्होंने काफ़ी इफेक्टिवनेस प्रूव की, और यूक्रेन आर्मी को जो है इन्होंने काफ़ी हद तक हेल्प की, और रशिया को जो है काफ़ी इन्होंने रशियन मिलिट्री के लिए जो है डिस्ट्रक्शन पैदा की। और यही वो ड्रोन्स थे जिन्होंने रशियन मिलिट्री की जो मार्च था टुवर्ड्स कैपिटल कीव उसको रोक के रखा। इसके अलावा वीडियो फोटेजेस ऑफ द ड्रोन्स जो थे जब वो स्ट्राइक कर रहे थे रशियन टैंक्स को, व्हीकल्स को, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को, तो वो भी काफ़ी हद तक जो है सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। तो बायरक्तार टेक्नोलॉजीज़ का ये भी ख्याल है कि ड्रोन्स जो हैं काफ़ी यूजफुल हैं सी के अंदर, स्पेशली ब्लैक सी के अंदर ये काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशंस जो हैं वो कर चुके हैं। तो ये जो TB2 ड्रोन्स हैं इन्होंने यूक्रेन नेवी को हेल्प किया डिस्ट्रॉय करने में सेवरल रशियन नेवल एसेट्स को, और ये काफ़ी फास्ट स्पीड के साथ मूवमेंट करते हैं। उनका ये भी कहना था कि कोई और वेपन सिस्टम जो है इतनी प्रिसीजन स्ट्राइक नहीं कर सकता। उनका ये भी कहना था कि ड्रोन्स जो हैं वो सी टारगेट्स को ज़्यादा आसानी से जो है वो वेरीफाई करते हैं और उनको फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ड्रोन्स के लिए बड़ा आसान होता है कि जब तमाम एनवायरनमेंट के अंदर पानी हो, वाटर इर्द गिर्द हो, तो सी के अंदर टारगेट्स को जो है आइडेंटिफाई करना ज़्यादा आसान होता है। तो रशिया की जो मिसाइल क्रूजर मॉस्कवा शिप जो थी, फ्लीट जो था, इसको अप्रैल में डिस्ट्रॉय किया गया था इसी ड्रोन की मदद से। एक्सपर्ट्स का कहना था कि इस TB2 ड्रोन्स के जरिए या तो इस रशियन जो वॉरशिप थी इसको लोकेट किया गया था, या इसका जो डिफेंस सिस्टम था उसको डाइवर्ट किया गया था। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ जो हैं ये यही लग रहा है कि इस TB2 ड्रोन्स के जरिए अचीव की गई थी। तो इनके सीईओ का ये भी कहना है कि इस वक्त जो है इन्होंने चाइना को कंपटीशन में बीट किया, और ये जो बायकार ड्रोन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट हैं वर्ल्ड वाइड। तो चाइना के विंग लॉन्ग एयर रेनबो CH मॉडल्स जो हैं चाइनीज आर्म ड्रोन्स जो हैं इनको जो है सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इथोपिया और इराक जो हैं वो इनको यूज़ कर रहे हैं। तो बायरक्तार के सीईओ का ये भी कहना था कि उनकी कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने पहले चाइनीज़ जो हैं ये ड्रोन्स यूज़ किए, लेकिन वंस जब उन्होंने TB2 ड्रोन्स यूज़ किए तो उन्होंने चाइनीज़ ड्रोन्स को रिटायर कर लिया बहुत ही क्विकली। उनका कहना था कि चाइनीज़ ड्रोन्स के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो प्राइस डिफरेंस जो है वो आइडेंटिकल, प्राइस डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, प्राइसेस जो है वो आइडेंटिकल है, लेकिन इसके ऊपर जो स्मार्ट म्यूनिशन यूज़ किया जाता है और इसकी जो प्रोसीजन है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है, और जो अटैक्स हैं वो काफ़ी लीथल हैं। तो इसके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो ग्रेटर हाइट से काफ़ी कैपेसिटी जो है वो प्रिसीजन स्ट्राइक की बहुत ज़बरदस्त है इसकी। इसके अलावा इसके अंदर ऑटोनोमस फ्लाइट परफॉर्मेंस सिस्टम भी है जो इसको टेक ऑफ और लैंडिंग में हेल्प करता है, और इसके अलावा जो इसकी डेटा इंटीग्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एक इंटरेस्टिंग जो उन्होंने फैक्ट बताया वो ये कि ये जो चाइनीज़ ड्रोन्स जो हैं इनमें कैसे फीचर्स हैं कि अगर ये चाइनीज़ एयर स्पेस में इंटर होने की कोशिश करें तो ये चाइनीज़ एयर स्पेस में इंटर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये कि चाइना ने इनके ऊपर कोई हिडन रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई हुई हैं जो कि किसी भी क्लाइंट के लिए कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल होती हैं। तो बायकार का जो रैपिड राइज है इसमें अगर हम देखें तो इसमें वर्ल्ड वाइड जो है मिलिट्री ऑब्जर्वर ने ये चीज़ नोट की है। तो सबसे पहले इन्होंने कतर को 2018 में जो है ड्रोन्स एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया था। इसके बाद इस कंपनी ने जो है एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो 4 कंट्रीज़ के साथ जो है वो साइन किए थे, जिसमें एडवांस एकेंची ड्रोन्स जो थे शामिल थे, जिसमें अजरबैजान और पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे। अब ये कंपनी जो है तकरीबन 10 कंट्रीज़ के साथ TB2 ड्रोन्स के जो है
निगोसिएशंस कर रही हैं, और इसके अलावा जो है 6 कंट्रीज के साथ जो है कैंची ड्रोन्स की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं। जब इनसे क्वेश्चन किया गया कि क्या बायकार जो है वो ड्रोन सेल करेगी इंडिया को, जो कि पाकिस्तान का एक एडवर्सरी है, तो बायकार ने आंसर दिया नेगेटिवली कि उनके कंपनी के प्रिंसिपल हैं कि हम जो है वो वॉर से प्रॉफिट हासिल नहीं करना चाहते, या जो अपने आर्म्स हैं वो दोनों साइड्स को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर सेल नहीं करना चाहते। उनका कहना था कि हम अपनी कैपेबिलिटीज़ जो है वो अपनी ब्रदरली कंट्रीज़ के साथ शेयर करेंगे जिनके साथ हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एलाइज जो हैं जिसमें नेटो मेम्बर्स आते हैं, अजरबैजान, पाकिस्तान, यूक्रेन जो है उनकी टॉप प्रायोरिटी है, ये कहना था सीईओ का। तो पाकिस्तान ने जो है TB2 ड्रोन से पहले जो है चाइनीज़ मेड ड्रोन जो हैं वो परचेज़ किए थे, लेकिन ऐसी कोई भी खबर मीडिया में नहीं आई कि पाकिस्तान जो था वो अनहैप्पी था चाइनीज़ ड्रोन्स की परफॉर्मेंस को लेकर। लेकिन फिर पाकिस्तान ने दूसरे प्लेटफॉर्म को क्यों चूज़ किया, तो ये भी कुछ क्वेश्चन जो है वो क्रिएट करता है। तो तुर्कमेनिस्तान ने जो है TB2 ड्रोन्स जो हैं वो परचेज़ किए थे क्योंकि वो डिससेटिस्फाइड थे स्पेसिफिकली चाइनीज़ ड्रोन्स से जो उन्होंने चाइना से परचेज़ किए। फिर अगर हम देखें तो इथोपिया ने जो है वो ईरान से ड्रोन्स परचेज़ किए थे जिसकी परफॉर्मेंस को लेकर इथोपिया काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटेड था, जिसकी वजह से उन्होंने फिर बायरक्तार ड्रोन्स जो हैं TB2 ड्रोन्स जो हैं उनको चूज़ किया अपनी कंट्री के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पॉडकास्ट जिसमें हमने डिस्कस किया बायरक्तार ड्रोन्स की परफॉर्मेंस को, इनकी कैपेबिलिटीज़ को, इनकी इफेक्टिवनेस को, और दुनिया भर के अंदर जो इनका राइज आ रहा है उसको लेकर, क्योंकि इनकी बैटल प्रूवन परफॉर्मेंस यूक्रेन के अंदर जो है इसने और सीरिया के अंदर इसने काफ़ी हद तक जो है डिफरेंट कंट्रीज़ को कन्विंस किया है कि वो इंस्टेड ऑफ चाइनीज़ टेक्नोलॉजी वो टर्किश टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करें। फ्रेंड्स इससे हम ये भी जो है कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं कि जो वॉर्स होती हैं उसके अंदर अगर आपके वेपन्स जो हैं वो हाईली परफॉर्मेंस और हाई एफिशिएंसी शो करें तो फिर जो है काफ़ी दुनिया के अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो आपको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो अवॉर्ड करती हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पॉडकास्ट, आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें आप अपनी ओपिनियन से इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हेलो फ्रेंड्स।